इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पानी से ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, या फिर ये भी बना सकते हैं। ओके, तो पहली बार में अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे होगा, पानी को आप पैसों में कैसे बदल सकते हैं, तो मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल टेक्निक भी बताने वाला हूं, जिसकी मदद से केवल 6 महीने के अंदर आप अपनी किसी भी बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सन 1994 में डॉक्टर इमोतो मसारू ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता लगाया था कि पानी में मेमोरी और कॉन्शियसनेस होती है, और पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की एनर्जी को हम पानी में डाल सकते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि अगर हम पॉजिटिव शब्दों के साथ पानी को चार्ज करते हैं, तब उस पानी के मॉलिक्यूल्स में बहुत ही सुंदर और हार्मोनियस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, और आप अपनी स्क्रीन पर ये सारी फोटोज देख सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स और इमोशन से उस पानी को चार्ज करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने पर कितनी सुंदर आकृतियाँ बनती हैं। और अब अगर आप इसको बदसूरत दिखने वाली आकृतियों से कंपेयर करेंगे, जिसे नेगेटिव और फियर फुल थॉट से चार्ज किया गया था, तब आपको असली फर्क समझ में आएगा कि अगर इतने थोड़े से पानी के मॉलिक्यूल्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का इतना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारे शरीर में 70% पानी है। और अगर हमारे जीवन में चिंता पैदा करने वाली सिचुएशंस के कारण हमारे दिमाग में नेगेटिव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन रहा है, और अगर हम बार बार खुद को नेगेटिव शब्द बोलते हुए अपने पीने वाले पानी को चार्ज करके पी रहे हैं, इसका मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव चीजों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी जिंदगी में नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग और नेगेटिव सिचुएशंस आकर्षित होती जा रही हैं। इसके बजाय अगर हम इसका उल्टा करें और खुद से हमेशा पॉजिटिव शब्द बोले, पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, और पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव विचारों को सोचकर पानी पिए, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, और पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप खुद को नेगेटिव और फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रगल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर सक्सेस और फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए खुद को प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अच्छे मूड में रहने की और पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हमें ये नहीं पता होता कि अंदर ही अंदर हमारे शरीर के पानी, हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के सेल्स की हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके हमारे जीवन में और भी ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रगल को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के दौरान ये पता लगाया था कि दिन भर में हमारे दिमाग में लगभग 65,000 थॉट्स आते हैं, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उनमें से 75% थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से नेगेटिव तरीके से प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। इसका ये मतलब है कि अपने पूरे दिन जाने अनजाने में हम खुद को वही पुरानी फाइनेंशियल रियलिटी के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पूरा हफ्ता पैसों को लेकर परेशान हैं, तो न सिर्फ आप अपने पीने वाले पानी को फाइनेंशियल बैड न्यूज यानी पैसों को लेकर बुरी खबर से चार्ज कर रहे हैं, बल्कि आप अपने दिमाग और अपनी बॉडी के सारे सेल्स को पैसों की चिंता और कमी से भी चार्ज कर रहे हैं, और आपके दिन भर के हर एक सेकेंड में ये आपकी बॉडी के सेल्स में बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण वही फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके जीवन में बार बार आ रही है। तो यहाँ पर दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमें अपनी पुरानी मनी प्रोग्रामिंग को खुद पर से कंट्रोल करना बंद करना होगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैंने एक ई बुक लिखी है जिसमें मैंने आपको एफर्मेशंस लिखने का बिल्कुल सही तरीका, एफर्मेशंस लिखने के 4 एकदम परफेक्ट नियम, और अलग अलग चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने के लिए किस तरीके से एफर्मेशंस लिखने चाहिए, ये सब कुछ बताया है। इस ई बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप हर दिन अपनी इच्छा से संबंधित एफर्मेशंस को बार बार बोलते हैं, तब धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने लगती है और आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट होने लगती हैं। एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको एक ऐसी टेक्निक को भी प्रैक्टिस करना होगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ।
सोचने वाली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले जब आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे तब आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप अपनी इच्छा के प्रति पॉजिटिव सोचने लगेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप दिन भर पॉजिटिव सोच सकते हैं और अपनी इच्छाओं को बहुत तेजी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट, अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए आप पानी की मदद कैसे ले सकते हैं। कल्पना करें कि दिन भर में जब कभी आप पानी का गिलास हाथ में उठाएं, तब पैसों की चिंता या पैसों की कमी महसूस करते हुए उस पानी को पीने के बजाय आप खुद से इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दी एबंडेंस फ्लोइंग इन टू माई लाइफ, मैं अपने जीवन में आने वाली सभी प्रचुरता के लिए आभारी हूँ। आई एम ओपन टू ऑल दी इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी कमिंग माई वे, मैं अपने रास्ते में आने वाली अनंत समृद्धि के लिए खुला हूँ। आप चाहें तो ये एफर्मेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप मेरी ईबुक से अपनी इच्छा से संबंधित एफर्मेशंस लिखकर पानी पीते वक्त उन्हीं एफर्मेशंस को बोलें। इस तरह से न सिर्फ पानी पीकर दिन भर आप खुद को हाइड्रेट रख पा रहे हैं, बल्कि आप अपनी बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर को बदलकर उसे सफलता, समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करने का मजबूत चुंबक भी बना रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर इमोतो मसारू ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि पानी हमारे विचार, शब्दों और भावनाओं का जवाब देता है और पानी में मेमोरी होती है जो हमारी बॉडी और ब्रेन के सेल्स को पॉजिटिव फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग दे सकता है। अब आता है बोनस पॉइंट जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को केवल 6 महीने में पूरा कर सकता है। अगर आप पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर इंटेंशन के साथ एक कागज में लिखना होगा कि अगले 6 महीने में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको उस कागज को अपनी उस वाटर बॉटल में चिपकाना है जिसे आप हर रोज पानी पीते हैं। अगर आप गिलास में पानी पीते हैं तो आप अपने गिलास में उस कागज को चिपका सकते हैं। अब जब कभी आप सुबह उठकर पानी पिए तब आईने के सामने खड़े होकर पानी पीने के साथ साथ खुद को आईने में देखते हुए आंख मिलाकर अपने फाइनेंशियल गोल को जोर से बोलें और महसूस करें कि आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल हर दिन करेंगे तब आप देखेंगे कि अपनी इच्छा से संबंधित नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुरंत अभी इस वीडियो को देखते हुए आप एक कागज में अपनी किसी ऐसी इच्छा को लिखें जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि वो इच्छा 21 दिनों में पूरी हो सकती है, और तुरंत अभी उस कागज को अपनी वाटर बॉटल में चिपकाएं। तब आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि अगर ये छोटी इच्छा 21 दिनों में पूरी हो सकती है तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी 6 महीने में जरूर पूरी हो जाएगी। अपनी इच्छा को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें 21 डेज और 21 दिनों के बाद हमारे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर करें। एफर्मेशंस कैसे लिखें, ईबुक की मदद से तुरंत एफर्मेशंस लिखना शुरू करें। ईबुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।